लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने स्मृति ईरानी के समर्थन में टिप्पणी की है। ये टिप्पणी राहुल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से की है। उन्होंने सभी से अपील की है कि बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना किया जाए। राहुल गांधी ने लिखा है कि हार जीत एक जीवन का हिस्सा है और ये लगा रहता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी जी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल के इस ट्वीट पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग राहुल को जननायक कह रहे हैं। यूजर्स उनके संस्कारों को लेकर मां सोनिया को धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसे बीजेपी और कांग्रेस के नेता के व्यवहार के बीच का अंतर बता दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सरकारी बंगला खाली कर दिया है। स्मृति ईरानी के सरकारी बंगला खाली करने पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने टिप्पणी की, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी न करें।